नमस्कार, आदर सिमासल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर कार्यकर्ताओं के साथ बलारी वार्ड में प्रधानमंत्री के 100वें एपिसोड को सुना। बीजेपी ने नगर निगम शिमला चुनावों के लिए जारी किया दृष्टि पत्र। 40,000 लीटर प्रति माह फ्री पानी के साथ पार्किंग, कूड़े के बिलों में कटौती व एक निगम एक टैक्स को दृष्टि पत्र में किया शामिल। चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। जाखू वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी के कार्यालय का किया शुभारंभ, भाजपा पर साधा निशाना। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में मिलेंगे विश्व स्तरीय सुविधाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने संभाली हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष की कमान। भाजपा द्वारा नगर निगम शिमला चुनावों के लिए जारी किए गए दृष्टि पत्र को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर। कांग्रेस की सरकार धोखेबाज सरकार, 5 महीनों में भी एक गारंटी नहीं हुई पूरी। रणधीर शर्मा। कांग्रेस ने एमसी चुनाव में गारंटियों से किया तौबा। सरकार बनने के बाद अब केवल वादे और इरादे पर आई कांग्रेस। शिमला चुनावी प्रचार में उतरे सर विधायक हरीश जनार्था। लोअर बाजार में कांग्रेस उम्मीदवार उमंग बंगा के लिए किया प्रचार, भाजपा पर साधा निशाना। नगर निगम चुनाव को लेकर गठित कांग्रेस समन्वय समिति की शिमला में बैठक। कौल सिंह ठाकुर बोले, 5 साल में सभी गारंटियां होंगी पूरी। नगर निगम चुनाव में प्रचार में उतरे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और विधायक सुधीर शर्मा। जाखू वार्ड में किया प्रचार। स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग करने के पूर्व सरकार पर लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में लगी आग, लाखों का नुकसान, जाने नुकसान नहीं। नगर निगम शिमला का चुनाव प्रचार जोरों पर। मुकाबला भाजपा एवं कांग्रेस, दो मुख्य दलों के बीच। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मांगे वोट, किया रोड शो, कांग्रेस पर साधा निशाना। छोटा शिमला वार्ड कांग्रेस के लिए खास, सीएम सुक्खू भी रहे इस वार्ड से पार्षद। चुनावी प्रचार में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने किया एमसी शिमला में जीत का दावा। बोले, 5 मई बदला जाएगा शिमला का नक्शा। शिमला में 2 दिवसीय उत्तर क्षेत्र द्वितीय क्षेत्रीय न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन। 6 हाईकोर्ट के 156 न्यायिक अधिकारी और न्यायाधीश प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा। कांग्रेस सुखी नहीं, झूठ की सरकार, कांग्रेस खुद होगी ऑपरेशन लोटस की जिम्मेदार। जयराम ठाकुर। नगर निगम शिमला के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। दोनों पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। पहाड़ की जीवन रेखाओं पर सफर होगा सुहाना व आरामदायक। टायरिंग कार्य शुरू। अब अपने भवन में परीक्षण ग्रहण कर पाएंगे जिला के बागवान। प्रदेश में वाटर सेल्स लगाने से बिजली उत्पादन की लागत पर पड़ेगा प्रभाव। शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान जमथल में बोले कुलविंदर सिंह। OROP 2 में आई विसंगतियों को लेकर मंडी में पूर्व सैनिकों ने निकाली रैली। अब समाचार विस्तार से। जयराम ठाकुर ने कहा कि शहरवासियों के लिए 40,000 लीटर फ्री पानी प्रति माह दिया जाएगा। एक निगम एक टैक्स प्रणाली लागू किया जाएगा। हर मोहल्ले में पार्किंग, कूड़े के बिल में 50% कटौती की जाएगी। गरीब धारा मालिकों को 2 बिस्वा तक जमीन में बने ढारों का अधिकार दिया जाएगा। प्रतिभा सिंह इस दौरान जहां नगर निगम चुनाव में जीत का दावा कर रही है, वहीं भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो विधानसभा चुनाव में गारंटियां दी है वो 5 साल में पूरी होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नरचौक के प्रथम दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की और MBBS डॉक्टरों के पहले बैच को इंटर्नशिप प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने छात्रों की मांग पर खेल मैदान और अतिरिक्त छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश प्रशासन को दिए। डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया और कहा कि लड़ाई के बीच कोई कमांडर नहीं बदला गया है। नगर निगम शिमला चुनाव में निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कमांड करेंगे और 7 वार्डों का जिम्मा उनको सौंपा गया है। भाजपा द्वारा नगर निगम शिमला चुनावों के लिए जारी किए गए दृष्टि पत्र को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। अब मैनिफेस्टो के बहाने शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्दन ने भाजपा पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि 40,000 लीटर प्रति माह मुफ्त पानी देने से पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार धोखेबाज है। कांग्रेस ने गारंटियों के नाम पर प्रदेश की जनता से धोखा किया है। 5 महीने बाद भी OPS की नोटिफिकेशन के अलावा कुछ नहीं हुआ। हर महीने को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की बात कही, लेकिन अब कुछ एक महिलाओं को जिन्हें पहले ही कोई पेंशन नहीं मिल रही। शिमला में पत्रकार वार्ता कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटियों से तौबा कर ली है। कांग्रेस पार्टी को समझ आ गया है कि गारंटियों को देना तो आसान है पर उनको करना मुश्किल है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कई गारंटियां दी थी, लेकिन पिछले कल निगम के चुनाव के लिए कांग्रेस ने गारंटियों से तौबा कर दी है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा दी गई सारी गारंटी फेल हो चुकी है।
शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस भाजपा के बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बुधवार को शिमला शहरी विधायक हरि जनार्था लोअर बाजार वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार उमंग बंगा के समर्थन में प्रचार करने उतरे और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। समन्वय समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा जरम सरकार के 5 साल के कार्यकाल को नहीं देख रही। 5 साल में जरम सरकार ने जनहित में कोई कार्य नहीं किया, केवल प्रदेश को कर्ज के बोझ में डुबाने का काम किया है। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस भाजपा के बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और धर्मशाला में कांग्रेस विधायक सुखजीत शर्मा जाखू वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार अतुल गौतम के पक्ष में चुनावी प्रचार में उतरे। इस दौरान कांग्रेस नेता हरदीप बाबा, सुशांत कपरेट, पूर्व महापौर मनोज भी साथ रहे। शिमला हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में सुबह आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आईजीएमसी बनी ओपीडी के टॉप फ्लोर में बनी कैंटीन में आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी मंजिल को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। अग्निशमन विभाग के चीफ फायर ऑफिसर महेश ने बताया कि सुबह जब कैंटीन बॉय उठा और उसने गैस चलाने की कोशिश की तो अचानक से आग भड़क गई और 2 सिलेंडर फटने से पूरी मंजिल में आग लग गई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार ही शिमला के विकास को आगे बढ़ाएगी। शिमला के लोगों को साफ पानी मिलेगा, सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, बिजली की लटकी तारों को सुव्यवस्थित करने के साथ शिमला के लोगों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 4 महीने में ही सुक्खू सरकार गारंटी पीछे हट गई है, इसलिए एमसी शिमला चुनावों में नहीं दी कोई गारंटी। इस बार केवल वादे और इरादे, लेकिन इरादे भी नहीं, जनता वोट की चोट करेगी। जनता का मोह भंग हो गया है। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। पूरे शिमला में पार्किंग, ट्रैफिक और एम्बुलेंस सड़क की बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि नशा शिमला में बहुत तेजी से फैल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिमला में 70% युवा नशे की चपेट में आ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शिमला के पुराने वैभव और सौंदर्य को लुटाने के लिए काम करेगी। शिमला में पानी, पार्किंग, ट्रांसपोर्टेशन की दशा को ठीक करने के लिए सरकार ने योजना बना ली है। राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा नगर निगम शिमला के चुनाव को मोदी के चेहरे के दम पर जीतने की सोच रही है। शहर में मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। समकालीन न्यायिक विकास और न्याय को कानून और प्रौद्योगिकी के माध्यम से मजबूत करने के विषय पर 2 दिवसीय उत्तर क्षेत्र द्वितीय क्षेत्रीय न्यायाधीश सम्मेलन का आज से शिमला में शुभारंभ हो गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। सम्मेलन का आयोजन नेशनल जुडिशियल अकेडमी द्वारा हिमाचल हाईकोर्ट और हिमाचल जुडिशियल अकेडमी के सहयोग से किया जा रहा है। नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर में है। भाजपा ने कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस द्वारा बीजेपी पोस्टरों में पीएम मोदी की फोटो पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मोदी के नाम से विपक्षी मित्रों को फिक्र हो रही है। कांग्रेस के पोस्टर में वीरभद्र और डिप्टी सीएम का फोटो नहीं है। पिछली भाजपा सरकार पर हमला करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि स्मार्ट सिटी के पैसे का जमकर दुरुपयोग हुआ है। भाजपा ने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए शिमला शहर में ठेके दिए। नगर निगम बनने के बाद इसकी जाँच की जाएगी। सड़कें पहाड़ की जीवन रेखा मानी जाती है। सड़कों के बिना जीवन चुनौतियों भरा है। जिंदगी को आरामदायक व सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदेश की इन जीवन रेखाओं का बेहतर व सुविधाजनक होना आवश्यक है। राज्य की सुख की सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। जिला कांगड़ा के पालमपुर स्थित हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर में बागवानों को प्रशिक्षण के साथ साथ रहने की सुविधा भी मिलेगी। जानकारी देते हुए उद्यान विभाग के उपनिदेशक कमल शील नेगी ने कहा कि जिला के बागवानों के पास अपना सेंटर न होने के चलते उन्हें प्रशिक्षण के लिए कृषि विश्वविद्यालय के भवन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब जल्द ही जिला के बागवानों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपना भवन होगा। सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजना पर वाटर सेल्स लगाने से बिजली उत्पादन की लागत पर प्रभाव पड़ने जा रहा है। ये बात शनिवार को मंडी जिला में एनटीपीसी कोलडैम हाइड्रो पावर परियोजना के महाप्रबंधक कुलविंदर सिंह ने जमथल में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। कुलविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश में जल विद्युत परियोजना पर वाटर सेस को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा की जिला मंडी इकाई ने OROP2 में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए मांग को लेकर मंडी में रोष रैली निकाली। पूर्व सैनिकों ने OROP2 में आई विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर सांसद प्रतिभा सिंह के महासचिव के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।